स्वागत है। दिवाली आ रही है, दिवाली में हम दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट करते हैं। एक यानी हमारी शॉपिंग, शॉपिंग तो ऑलमोस्ट आपकी हो गई होगी, और सेकंड थिंग है अपना फरार। फरार शॉपिंग होने के बाद हम फरार करने के लिए स्टार्ट करते हैं। मीन्स जो हमारे फेस्टिवल्स है, जो इंडियन फेस्टिवल्स, इंडियन कल्चर, वो नेचर पे डिपेंड है टोटली। तो नेचर के अनुसार उसकी जो खान पान रहता है वो नेचर के अनुसार रहता है। जब गर्मी का सीजन हो, मीन्स गुड़ी पड़वा रहता है, गुड़ी पड़वा में हम क्या खाते हैं कि जो कड़ू नीम, मीन्स नीम के पत्ते की चटनी खाते हैं, आम का पनाह पीते हैं, तो ये हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है। वैसे ही दिवाली का भी है। दिवाली में, सर्दियों में दिवाली आती है, तो सर्दी के अनुसार इसके जो व्यंजन रहते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड है। यानी कि हम लड्डू बनाते हैं, करंजी मीन्स गुजिया बनाते हैं, मीन्स फुल ऑफ ऑयल, घी एंड स्वीट, मीन्स गुड़ का उपयोग ज्यादा रहता है। वैसे ही ये हमारा फरार है। फेस्टिवल्स इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी नहीं है, वो है फेस्टिवल्स, हमारा इंडियन कल्चर। इसलिए हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और अदर कंट्रीज में क्या करते हैं कि फादर्स डे, मदर्स डे, फ्रेंडशिप डे, ये डे सेलिब्रेट करते हैं, और हम ये फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में हम हर एक टाइप का फराह बनाते हैं। कोविड की सिचुएशन से हम बाहर का खाना अवॉइड करते हैं, तो घर में झटपट मीन्स फटाफट होने वाली रेसिपीज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये आज से डेली एक एक रेसिपीज मैं आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी। तो आज से हम ये दिवाली सीरीज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं अनारस। थोड़ी ट्रिकी है ये रेसिपी, बट बहुत अच्छी बनती है। अब रेनी सीजन हो गया, तो चावल उगाया रहता है रेनी सीजन में। तो अब ये चावल खाने के योग्य हो गया है, तो वो चावल अब गुड़ से बनता है। तो रेसिपी के लिए स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं अनारस। तो उसके लिए मैंने लिए है चावल, एक कप चावल लिए। इसको 3 दिन तक भिगोना है, मीन्स आज सुबह भिगोया तो आज सुबह, फिर नेक्स्ट डे उसको और एक बार धोना है और पानी डाल के रखना है। फिर थर्ड डे भी इसको धोना है और पानी डालकर इसको भिगो कर रखना है। और फोर्थ डे उसको पानी में से निकाल कर, छन्नी में से डालकर जो पानी है वो पूरा निकाल कर, मलमल के कपड़े पे उसको छाँव में पूरा सुखाना है। मीन्स ऐसे ये ड्राई होनी चाहिए। ओके, तो ये एक कप मैंने ये चावल लिए हैं और 3/4 कप गुड़ लिया है। अगर आपको थोड़ा सा कम चाहिए तो ले सकते हो, बट इसका प्रोपोर्शन एक्यूरेट है। आपका जो अनारसा बनेगा वो एकदम जालीदार और क्रिस्पी बन जाएगा, इसलिए 3/4 कप जो गुड़ है वो एकदम करेक्ट प्रोपोर्शन है इसका। तो ये एक कप चावल को भिगो कर, 3 दिन तक भिगो कर, ये चावल को 3 दिन भिगो कर छाव में सुखाना है मलमल के कपड़े पे, और इतना ड्राई करना है। मीन्स ये हाथ को थोड़ा सा ऐसे मॉइस्चर है इसमें, चाहिए मॉइस्चर बट ड्राई चाहिए ऐसे। तो इसको अब मिक्सी में डालकर हमें ग्राइंड करके लेना है। अब ये ऐसे इसकी पाउडर बना के ली, और जो मैदे की छन्नी रहती है वो मैदे की छन्नी से इसको छान कर लेना है। और ये बड़ा रह गया है, इसको वापस हमें मिक्सी जार में डालकर इसकी पाउडर बनानी है। अब इसको वापस मैं मिक्सी जार में डाल देती हूँ, और उसकी, और ये जाड़ा रह गया है उसको पीस लेती हूँ। अब ये ऐसी इसकी पाउडर बन गई है। तब 4 से 5 घंटे इसको छाँव में सुखाना है ताकि ये एकदम ड्राई हो जाए। और ये जो गुड़ है वो मैंने ग्रेटर से, अगर आप ले ग्रेट करके लोगी तो भी चलेगा, मैंने इसको थोड़ा सा मिक्सर में निकाला है तो ये थोड़ा सा ऐसे चिपक गया है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया,
तो मैं और थोड़ा इसको मिक्सर में से निकाल लेती हूँ ताकि एकदम अच्छे से जो गुड़ और चावल का आटा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैं इसको मिक्सर में थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। अब इसको 4 से 5 घंटे ऐसे ही रखना है तो सब ये चावल और गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और फिर इसके हम अनारसे बनाएंगे। अब ये जो हमने गोला बनाया है इसको जस्ट ऐसे नीचे जो पॉपी सीड्स मीन्स जो खसखस है इसको नीचे पूरा स्प्रेड करके ऐसे जस्ट हाथ से उसको टच करना है, थोड़ा सा साइड से मीन्स इसको इवन स्प्रेड करना है। हाथ को थोड़ा लगेगा, अगर ऐसे हो रहा है तो थोड़ा सा घी हाथ को लगा कर लेना। अब इसको उठाकर हल्के हाथ से उठाकर इसको गरम तेल में छोड़ना है। और उसके ऊपर ऐसे तेल मारना है तो ऐसे इसको जाली पड़ जाती है। इसको एक साइड से ही ट्राई करना है, नहीं उल्टा नहीं करना। अभी रेडी हो गए।